तरह के जानवर होते हैं। इसी में एक चीता का परिवार भी होता है जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब जंगल में हर तरफ शांति है, लेकिन इसी बीच सारे जानवर चिल्लाने लगते हैं और तभी एंट्री होती है जंगल के राजा शेर की। उसे देखकर चीता भागने लगता है, लेकिन शेर को ऐसे ही जंगल का राजा नहीं कहा जाता। वो चीता को पकड़ लेता है और मार देता है। ये सब कुछ चीता के बच्चे देख रहे थे अपनी आंखों से, और अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख होता है। अब उनमें से एक बच्चा रात में जंगल से भाग कर रोड पे आ जाता है, और तभी उसके पास एक कार आकर रुकती है जिसमें एक ज़ियान नाम का बच्चा बाहर निकलता है। उसके साथ उसके डैड भी होते हैं। वो दोनों बच्चे को देख लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। दोनों अच्छे से जानते हैं कि अगर इसे यहाँ अकेला छोड़ दिया तो या तो कोई गाड़ी से कुचल देगी या फिर कोई जानवर खा जाएगा। इसलिए ज़ियान उसे अपने डैड से जिद करके उसे अपने घर लेके आ जाता है। अब ज़ियान के डैड को उस बच्चे को रखने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, लेकिन वो ज़ियान को मना नहीं कर पाते। और ज़ियान की मॉम जब उस छोटे बच्चे को देखती हैं तो बहुत ही खुश हो जाती हैं। ऐसा लग रहा था कि इस परिवार में कोई नया सदस्य आया है। दोस्तों, यहाँ पर ज़ियान के डैड को जानवरों से बहुत ही प्यार होता है। उनके पास लगभग हर तरह के जानवर थे, जैसे पैरट, स्नेक और भी तरह के जानवर। अब धीरे धीरे समय बीतने के बाद ज़ियान के डैड भी उस बच्चे को पसंद करने लगते हैं। एक्चुअली में उनका मानना था कि ये खतरनाक जानवर है, इसलिए वो इसे अपने पास नहीं रखना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें भी इससे लगाव हो जाता है। जिसके बाद सभी लोग फैसला लेते हैं कि वो इसे तब तक अपने घर पर रखेंगे जब ये पूरी तरह से बड़ा नहीं हो जाता। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद ज़ियान उस बच्चे का नाम डूमा रखता है, और वो और उसके डैड डूमा के साथ बहुत ही एंजॉय करते हैं। उसके साथ साथ हमेशा खेलते रहते हैं, उसे एक अच्छा चीता बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। इसी दौरान एक दिन उसके डैड और वो उसे अपनी बाइक से डूमा से रेस लगवाते हैं। पहले तो डूमा की रफ्तार कम होती है, वो धीरे धीरे दौड़ता है, लेकिन देखते ही देखते वो अपनी पूरी रफ्तार पकड़ लेता है। और ये सीन देखकर हमें पता चल जाता है कि चीता को क्यों दुनिया का सबसे तेज जानवर कहा जाता है। वो इतनी तेज दौड़ता है कि बाइक से आगे निकल जाता है, और ये बहुत ही अमेजिंग सीन होता है दोस्तों। अब एक दिन ज़ियान के डैड उसे बोलते हैं कि अब डूमा बड़ा हो चुका है और हमें इसे वहीं छोड़कर वापस आना पड़ेगा जहां से हमें ये मिला था। ये जिस चीज के लिए पैदा हुआ है उसे वही करना चाहिए। पर ज़ियान कहता है कि डैड ये वाइल्ड नहीं बनना चाहता है, इसे हम अपने साथ रख लेते हैं। वैसे भी अब दुनिया में कितने कम चीता बचे हुए हैं। लेकिन उसके डैड उसे फिर से समझाने की कोशिश करते हैं और एक मैप में निशान लगाते हैं। कहते हैं कि हमें इस जगह डूमा मिला था और ये जगह इसका घर है, जहां पे इसके दोस्त इसका परिवार रहते हैं। अगर तुम इसे प्यार करते हो और चाहते हो कि ये हमेशा खुश रहे, तो हमें इसे उसी जगह अपने परिवार के पास छोड़कर आना होगा। ज़ियान थोड़ा सोचता है और आखिर में उसे अपने डैड की बात समझ आ जाती है। अब कुछ दिन बीतने के बाद ज़ियान के डैड की तबीयत बहुत ही खराब होने लगती है, जिसके कुछ समय बाद उनकी एक रात हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। हमें बताया नहीं गया है कि ज़ियान के डैड को क्या बीमारी थी। जब ये खबर ज़ियान सुनता है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। वो बहुत अकेला फील कर रहा था, और अब पैसे की कमी होने की वजह से ज़ियान की मॉम उसे बताती है कि अब हमें इस मकान को, इस जमीन को लीज भी देना पड़ेगा और शहर जाके आंट के पास रहना होगा ताकि मैं कोई जॉब कर सकूं। ज़ियान पूछता है कि डूमा का क्या होगा, और उसकी मॉम उसे कहती है कि अब डूमा को एक नया घर मिलने वाला है। और दोनों डूमा को भी अपने साथ लेकर निकल जाते हैं शहर की तरफ, जहाँ पर ज़ियान का स्कूल में एडमिशन हो जाता है और उसकी मॉम को भी जॉब लग जाती है। लेकिन वहाँ उसकी आंट को डूमा से बहुत ही डर लगता है। वेल, अब किसी के घर पे जिंदा चीता खुला छोड़ दोगे तो सबकी फटेगी। अब एक दिन जब ज़ियान की मॉम उसे स्कूल छोड़ने जा रही होती है, तो डूमा घर का गेट खुला देखकर बाहर आ जाता है और उनकी कार का पीछा करने लगता है। ये बात ना तो ज़ियान को पता होती है और ना ही उसकी मॉम को, और डूमा भागते भागते ज़ियान के स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल के अंदर ज़ियान डूमा को देख लेता है, जो कि उसके क्लासरूम के बाहर था। लेकिन जब वो अपने टीचर से बाहर जाने की परमिशन मांगता है तो वो मना कर देते हैं, और थोड़ी देर बाद पूरे स्कूल में भगदड़ मच जाती है। सब बच्चे इधर से उधर भागने लग जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस चीता को देख लिया था। अब ज़ियान डूमा को ढूंढते ढूंढते वॉशरूम में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर कुछ बच्चे उसे बुली करने लगते हैं, और तभी वहां पर डूमा आ जाता है। वो ऐसा दहाड़ता है कि सारे बच्चों की पतलून गीली हो जाती है और सब भाग जाते हैं। अब जल्दबाजी में उन बच्चों के जो पैसे होते हैं वो वहीं गिर जाते हैं, जिसे ज़ियान अपने पास रख लेता है। अब दोनों स्कूल से भागते हैं, लेकिन इसी बीच ज़ियान की मॉम उसे देख लेती है, क्योंकि स्कूल वालों ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था इस बारे में। लेकिन इससे पहले कि वो लोग डूमा और ज़ियान को पकड़ पाते, दोनों वहां से भागकर शहर से बाहर आ जाते हैं। और फिर ज़ियान फैसला करता है कि जो उसके डैड और उसने डिसाइड किया था अब वो वही करेगा, यानी कि वो जहां से डूमा को लाया था वहीं वापस छोड़ कर आएगा। और इधर ज़ियान की मॉम बहुत ही परेशान हो रही थी, क्योंकि उनका बेटा कहीं गायब हो गया था। अब इसके बाद ज़ियान अपने पुराने घर जाता है और अपने डैड की बाइक पर डूमा को बैठा कर निकल जाता है अपनी मंजिल की तरफ। और जाते जाते वो अपनी मॉम के लिए एक लेटर भी छोड़कर जाता है। जब उसकी मॉम वहां पहुंचती है तो उन्हें वो लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि मॉम, मैं डैड का अधूरा सपना पूरा करने जा रहा हूं। मैं डूमा को उसके घर, उसका परिवार के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगा, आप परेशान मत होना। इधर डूमा और ज़ियान का सफर शुरू हो गया था। काफी दूर जाने पर ज़ियान उसी मैप को देखता है जिस पर उसके डैड ने निशान लगाया था कि डूमा को कहां छोड़ना है। इसके बाद वो फिर से निकल पड़ता है। ज़ियान को पता होता है कि ये सफर आगे चल के बहुत खतरनाक होने वाला होता है, और तभी पहली मुसीबत आ जाती है। बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है, और जिस जगह पर ये दोनों हैं आसपास कोई मदद करने वाला नहीं है, इसलिए ज़ियान अपनी बाइक को धक्का मारते हुए आगे ले जाता है। और थोड़ी दूर चलने पे इन्हें एक क्रैश प्लेन दिख जाता है। अब इतनी तेज धूप में चलते चलते दोनों थक जाते हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए उसी जगह पे आराम करने लगते हैं। लेकिन अब इन दोनों के पास ना तो खाना था और ना ही पानी था, लेकिन फिर भी ज़ियान हिम्मत नहीं आता। वो फैसला करता है कि वो आराम करने के बाद फिर से आगे बढ़ेगा, लेकिन इतनी थकावट के कारण वो वहीं सो जाता है।
इसी बीच वहाँ एक रिप नाम का आदमी आता है जो कि एक बंजारा था जो बिना किसी काम के यहाँ से वहाँ भटकता था। अब घूमते घूमते वो ज़ियान की बाइक उसे दिख जाती है और रिप उसे चुराने की सोचता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि उसमें पेट्रोल नहीं था। और तब तक दोस्तों ज़ियान भी वहाँ पर आ जाता है। वो रिप से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो बोलता है कि मैं साउथ जा रहा हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो ज़ियान उससे कहता है कि हम वेस्ट जा रहे हैं। वो बोलता है कि हम कौन? तभी वहाँ धुआं आ जाता है जिसे देखकर रिप घबरा जाता है और ज़ियान उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास पानी है, इसके बदले मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। वो उसे पानी दे देता है, लेकिन जब रिप उस बाइक को स्टार्ट करता है तो वो स्टार्ट नहीं होती। तो वो उसे पूछता है कि ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, तो ज़ियान उसे बताता है कि इसमें पेट्रोल नहीं है। लेकिन फिर वो बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो लोग उस क्रैश प्लेन से एक पैराशूट लेते हैं और उसे अपनी बाइक के ऊपर लगा देते हैं और इस पैराशूट की वजह से हवा का बहाव तेज हो जाता है और बाइक तेजी से आगे भागने लगती है। दरअसल दोस्तों ये सब ज़ियान के डैड ने उसे सिखाया था जिसकी वजह से आज वो इतने बड़े सफर पर निकला है। और वहीं दूसरी तरफ उसकी मॉम बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता था कि ज़ियान असल में कहां गया है। वो उसे ढूंढने के लिए उसके मिसिंग पोस्टर्स भी छपवाती हैं, लेकिन अब तक उन्हें कुछ भी पता नहीं चला था। इधर ज़ियान को अपनी नई बाइक छोड़नी पड़ती है क्योंकि आगे का रास्ते में अब पहाड़ आ गए थे जिसकी वजह से उन्हें अब आगे का सफर पैदल ही तय करना पड़ेगा। लेकिन अब धूप बहुत तेज है और इन्हें बहुत तेज प्यास लगी है, पानी का एक बूंद भी इनके पास नहीं है। अब रिक को इन सब चीजों की आदत होती है दोस्तों और वो एक बहुत ही बड़ा गड्ढा खोदता है और उसमें से पानी निकालता है जिससे कि इन लोगों की प्यास बुझ जाती है। रिक भाई तो कलाकार आदमी निकले दोस्तों, वेल लेकिन यहाँ पर ये लोग सिर्फ पानी पीकर जिंदा नहीं रह सकते, इन्हें खाने के लिए भी कुछ चाहिए होता है। तभी ज़ियान को एक शतरमुख दिखता है। वो धुआं से कहता है कि जब तुम्हें उसका शिकार करना होगा। वो उसे शिकार करने का तरीका बताता है, लेकिन धुआं ने आज तक कोई भी शिकार नहीं करा है जिस वजह से वो उस शतरमुख को नहीं पकड़ पाता। इसलिए टाइगर और शेर को जंगल में रहना चाहिए दोस्तों, तो आपको आज पता चल गया होगा। वेल गाइस अब इन्हें शिकार तो नहीं मिलता, लेकिन ये लोग शतरमुख के अंडे तक पहुंच जाते हैं और वो उसे खा के अपनी भूख मिटा लेते हैं। अब डिनर करने के बाद रिप ज़ियान से पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो वो उसे मैप को दिखाता है जो कि उसके डैड ने उसे दिया था। रिप बोलता है कि जिस जगह तुम जा रहे हो वो यहाँ से मीलों दूर है और वहां जाने का मतलब है अपनी जान से खेलना। ज़ियान बोलता है कि मैं इससे डरता नहीं हूँ, मुझे वहां तक पहुंचना है किसी भी हालत में। जिसके जवाब में रिप कहता है कि तुम्हें डरना चाहिए, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, बच्चे तुम तो मरोगे या मुझे भी साथ लेकर मरोगे। और कुछ देर सोचने के बाद रिप उसके साथ जाने का मन बना लेता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें आधे रास्ते तक छोड़ सकता हूँ जिसके बाद हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। और ये दोनों उसी जगह रात बिताते हैं और अगली सुबह फिर निकल जाते हैं मंजिल की तरफ। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर ज़ियान अपना कैंपस निकाल के देखता है तो इन लोगों ने गलत रास्ता चुन लिया था और ये नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो रिप को इसके बारे में कुछ नहीं बताता। आगे बढ़ने पर उन लोगों को एक खदान मिलती है, लेकिन इसी बीच वहाँ एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और इस हेलीकॉप्टर में ज़ियान की मॉम होती है। वो उसे ढूंढने के लिए पूरी जान लगा रही होती है दोस्तों, लेकिन तभी ज़ियान रिप को एक खंडर में छुपने के लिए बोलता है जिसे वो लोग उन्हें देख ना पाए। थोड़ी देर बाद वो हेलीकॉप्टर वहां से चला जाता है जिसके बाद तीनों फिर से आगे बढ़ना चालू कर देते हैं। और इसी बीच रिप को एक हीरो की यानी कि डायमंड की खदान दिखती है। वो उसके अंदर जाने लगता है। रिप को लग रहा था कि इसके अंदर अभी भी डायमंड हो सकते हैं और वो उसे अमीर बन सकता है, लेकिन जैसे ही वो उसके अंदर जाता है उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी गिरने लगती है और वो उसी के नीचे दब जाता है। अब अंदर से रिप की चीखने की आवाज आती है। जब ज़ियान और धुआं अंदर जाते हैं तो उसे रिप को पूरी तरह से मिट्टी के अंदर धंसा हुआ मिलता है और वो फौरन ही उसके मुंह से मिट्टी हटाते हैं, लेकिन एकदम से वो रुक जाता है और रिप से बोलता है कि तुम हम लोगों को गलत रास्ते क्यों ले जा रहे थे। रिप कहता है कि वो उसे माउंटेन के रास्ते से लेके जा रहा था जिससे वो लोग जल्दी पहुंच सके, लेकिन ज़ियान उससे कहता है कि तुम हमें नॉर्थ की तरफ ले जा रहे थे जिससे तुम मुझे और धुआं को पुलिस के हवाले कर दो जिसके बदले में तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर ज़ियान रिप की चाल समझ गया था और वो उसे वहीं छोड़कर अकेला ही निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक नदी मिलती है। ज़ियान डिसाइड करता है कि वो नदी के सहारे आगे बढ़ेगा, जिसके लिए वो एक लकड़ी की बोट बनाता है और उसमें धुआं को लेकर बैठ जाता है। लेकिन ये नदी आगे जाके एक झरने में मिलने वाली थी और इसी बहाव की वजह से दोनों पानी में गिर जाते हैं, लेकिन किसी तरह से तैर कर ये लोग अपनी जान बचा लेते हैं। इसी नदी में दोस्तों बहुत सारे क्रोकोडाइल भी होते हैं, मगरमच्छ भी होते हैं, लेकिन ये लोग किसी तरह से उनसे बच बचाकर अपनी जान बचाकर किनारे पे आ जाते हैं। अब आगे बढ़ने पर ये दोनों जंगल में पहुंचते हैं और चलते चलते दोनों बहुत ही थक जाते हैं। इन्हें काफी भूख लगी होती है और यहीं पर इन्हें बहुत सारे जंगली जानवर दिखते हैं। धुआं उनका शिकार करने वाला होता है, लेकिन सभी उसे देख लेते हैं और भगदड़ मच जाती है। इसी भगदड़ में ज़ियान और धुआं अलग हो जाते हैं। ज़ियान उसे ढूंढने की हर तरफ कोशिश करता है, लेकिन धुआं उसे कहीं नहीं मिलता क्योंकि वो जंगल में लगाए एक पिंजड़े में कैद हो गया था जो कि इंसानों ने लगाया था। वेल गाइस अब रात हो जाती है, लेकिन ज़ियान हार नहीं मानता, वो अभी भी धुआं को ढूंढता रहता है। तभी उसके पीछे एक जंगली सुअर पर जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए उसके आगे आगे भागता रहता है, लेकिन तभी उसका पैर एक पत्थर से लग जाता है जिसके टकराने की वजह से वो गिर कर वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को रिप के पास पाता है जिसने धुआं को भी पिंजरे से छुड़ा दिया था। अगली सुबह ज़ियान रिप से माफी मांगता है और उसे बोलता है कि मुझे तुम्हें वहां अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। इसके बाद रिप ज़ियान को खुद के बारे में बताता है, जिसमें वो कहता है कि मैं अपने गांव अपना परिवार सब कुछ छोड़कर शहर गया था ताकि वहां जाके मैं कुछ पैसे कमा सकूं, लेकिन मैं नाकाम रहा और मुझे कुछ गलत कामों की वजह से जेल भी जाना पड़ गया, जिसके बाद मैं सब कुछ छोड़कर अपने गांव वापस जाना चाहता हूं। अब इस जंगल में ये तीनों बहुत ही भूखे होते हैं दोस्तों। वो लोग धुआं को एक हिरन का शिकार करने को कहते हैं, लेकिन वो इस बारी भी नाकाम हो जाता है। क्या टाइगर बनेगा रे तू, तुझसे एक शिकार भी नहीं होता। अब दोस्तों इस नाकामी के बाद इन लोगों को नदी के दूसरी साइड पे एक कैंप दिखता है जहां
जहाँ पे कुछ लोग पार्टी कर रहे थे। इनके पास बहुत सारा खाने का सामान होता है। अगली सुबह ज़ियान उनके कैंप में एक जख्मी बच्चे की हालत में पहुंचता है। उसे तकलीफ में देखकर सारे लोग उसके पास आते हैं और तभी ज़ियान अपनी शर्ट खोल देता है जिसमें से एक सांप बाहर निकलता है। इसे देखकर सभी लोग भागने लग जाते हैं और इसी का फायदा उठा के दोनों उन लोगों का सारा खाना चुरा लेते हैं और इन्हें वहाँ एक बोट भी मिलती है जिसके बाद ये लोग उसे लेके एक बार फिर से नदी के सहारे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ज़ियान के पास जो पैसे होते हैं जो उसने स्कूल से बच्चों से मिले थे वो उन्हें रिप को दे देता है और कहता है कि ये रख लो ये तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन वो उन्हें लेने से मना कर देता है। बट ज़ियान के काफी बोलने के बाद वो उन्हें ले लेता है। इसके बदले में वो उसे खदान में मिले हीरों में से एक हीरा देता है और कहता है कि इसे तुम हमेशा अपने पास रखना जिसे तुम हमेशा मुझे याद रख सको। अब दोस्तों नाव का सफर पूरा हो जाता है जिसके बाद दोनों पैदल चलना शुरू कर देते हैं। अब रिप को इस जगह के हर एक कोना काफी अच्छी तरह से मालूम होता है क्योंकि उसका गांव यहां से थोड़ी दूर पर था। अब यहां पर रात हो जाती है और रिप ज़ियान और दुमा को लेकर एक गुफा में जाता है जो उसे बताता है कि वो पहले यहां अपने दादाजी के साथ आया करता था लेकिन उनके जाने के बाद यहां कोई नहीं आता। यहां ज़ियान अपने डैड को बहुत ही मिस करने लगता है और वो रिप से बोलता है कि मेरे डैड एक दिन अचानक से गायब हो गए, ऐसा क्यों हुआ, वो मुझे छोड़कर क्यों चले गए। तो रिप कहता है कि हम सब एक नदी में बह रहे हैं और हमें एक ना एक दिन जाना है और उससे बोलता है कि तुम दुमा को छोड़ के वापस अपनी मॉम के पास चले जाना क्योंकि तुम्हारे सिवा उनके पास कोई नहीं है और मैं भी अपने गांव अपने परिवार के पास चला जाऊंगा। अगली सुबह दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं लेकिन इसी बीच वहां मधुमक्खियों का झुंड आ जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। रिप ज़ियान को एक चादर से ढक देता है लेकिन वो खुद को बचा नहीं पाता। वो मधुमक्खियां उसके पूरे शरीर पे काट लेती हैं और धीरे धीरे दिन ढलने लगता है। अब यहां पर दोस्तों रिप की तबीयत बहुत ही बेकार होने लगती है, बिगड़ने लगती है, उसका पूरा शरीर सूज जाता है और वो पहचान में भी नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में रात हो जाती है जिसके साथ साथ काफी तेज बारिश भी होने लगती है जिस वजह से इन लोगों को आग जलाने में भी बहुत ही दिक्कत आ रही थी। तभी ज़ियान ने जो पैसे रिप को दिए थे वो उन्हें आग जलाने के लिए इस्तेमाल कर लेता है जिसे आग जल जाती है। वो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, अब उन पैसों का करती भी क्या अगर वो मर जाते। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब ज़ियान यहां देखता है कि रिप की हालत बहुत ही खराब होती जा रही है और अगर उसने कुछ नहीं करा तो वो मारा जाएगा, इसलिए वो फैसला करता है कि वो उसकी जान बचाने के लिए उसके गांव जाएगा और वहां से उसके परिवार से मदद मांगेगा। वो दुमा को बोलता है कि तुम यहीं पर रुकना, इसके साथ मैं आता हूं। और थोड़ी दूर में वो गांव वालों से मिलता है, रिप के बारे में बताता है, लेकिन जब वो लोग रिप को देखते हैं तो उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि उसका पूरा चेहरा सूजा हुआ था, उसकी आंखें तक खुल नहीं पा रही थी। वो लोग फिर भी उसकी मदद करते हैं और वो उसके चेहरे पे एक जड़ी बूटी का मास्क लगाते हैं जिसके थोड़ी देर बाद वो अपने पुराने चेहरे में वापस आ जाता है। फिर सभी लोग उसे पहचान लेते हैं। अब रिप के दोनों बच्चे और रिप की माँ, रिप की वाइफ जो होती है, उसे मिलकर बहुत ही खुश होती है और सभी लोग ज़ियान का शुक्रिया करते हैं कि उसने रिप की जान बचा ली। अगली सुबह जब ज़ियान घर से बाहर आता है तो वो दुमा को ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। वो उसे ढूंढते ढूंढते काफी आगे आ जाता है और तभी वो देखता है कि दुमा एक चीता के साथ खेल रहा है और उन दोनों ने साथ मिलकर एक हिरन का शिकार भी किया। यहाँ ज़ियान को समझ आ जाता है कि ये उसका घर है। फाइनली दुमा को अपना परिवार, अपना भाई मिल गया था। वो उसे वहीं छोड़कर जाने लगता है और जाते समय उसके पास दुमा वापस आता है और उससे गले लगा लेता है। ये इन दोनों की आखिरी मुलाकात होती है और इसके बाद वो रिप से मिलता है और उसे जो उसने वादा किया था वो दुमा को छोड़कर अपनी मॉम के पास चला जाएगा, उसे निभाने का अब समय आ चुका था। इसके बाद ज़ियान सीधे अपनी बाइक लेकर वापस अपने घर आता है जहाँ उसकी मॉम ट्रैक्टर चला रही होती है। ज़ियान उन्हें हाथ दिखाता है, पहले उसकी मॉम सोचती है कि वो कोई अनजान लड़का है लेकिन फिर वो समझ जाती है कि वो ज़ियान है। वो दौड़कर ज़ियान के पास आती है और उसे गले से लगा लेती है। आखिर में ज़ियान को समझ आ जाता है कि इस दुनिया में हर किसी को अपना घर होना जरूरी है और इसी के साथ ये कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ